हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे, ये हमने लिया है 1 लीटर दूध, खोपरे का बूरा 50 ग्राम इतना, कुछ किशमिश, 2 पिंच इलायची, 5-7 बादाम, ये हमने लिए 8 ब्रेड स्लाइस, 1 बाउल कस्टर्ड पाउडर छोटे बाउल से। अब हम इस दूध को बॉईल होने रख देंगे। हमने पतीले में निकाल लिया और ये थोड़ा सा दूध हम कस्टर्ड मिक्स करने के लिए इसमें निकाल रहा है। हमने इलायची मिक्स करके बॉईल होने रख दिया है, हम इसमें कस्टर्ड मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम इसको पूरा मिक्स करके एक अच्छा सा बैटर बना लेंगे। ये देखिए, फाइन बैटर बन चुका है बिल्कुल। अब हम इसे दूध बॉईल होने के बाद उसमें मिक्स करेंगे। अब हम इसे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट कर लेंगे। ये हमारा दूध बॉईल हो चुका है, अब हम इसमें अपना कस्टर्ड मिक्स कर रहे हैं। इस तरीके से अब हम इसको हिलाते हिलाते बनाएंगे जब तक कि थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। और हम इसमें ये 1 बाउल शक्कर भी मिक्स कर रहे हैं, इस बाउल से 1 बाउल। हमें ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए, अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप थोड़ी बहुत शक्कर कम या ज़्यादा भी कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो इसे। ये देखिए, अच्छे से पका लेंगे अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक, जिससे कि हमारा कस्टर्ड अच्छे से पक जाए। इस तरीके से हिला हिला के ये देखिए क्या है, और इसमें अच्छी उबाली आ रही है, बिल्कुल गाढ़ा। ये देखिए, अब हम इसको गैस को ऑफ कर देंगे। अब हम इसमें ब्रेड स्लाइस जमा लेंगे। आप चाहें तो इसके एजेस निकाल सकते हैं, इसकी जो कोरे हैं, या फिर डायरेक्ट ऐसे भी रख सकते हैं। ये मैंने इसमें जमा दिया है, अब मैं इसमें अपना कस्टर्ड डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से, जिससे कि अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। मैंने इसको गरम गरम ही डाल दिया, आप चाहें तो थोड़ा ठंडा भी डाल सकते हैं, ये अच्छे से ऑब्जर्व हो जाएगा। उसके बाद हम इस पर खोपरे का बूरा, किशमिश, और खारक, इस तरीके से हम इसे डेकोरेट करेंगे। अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं, उसके बाद में हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। जब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप मेरे चैनल को ज़रा किचन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप ये रेसिपी घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है, बच्चों को और बड़ों को सबको भी बहुत अच्छी लगती है।